अफगानिस्तान की राजधानी काबुल पर कब्जा जमाकर भले ही तालिबान ने अपनी सरकार बनाने की ओर कदम बढ़ा दिए हों, लेकिन अभी भी वो इस मिशन से दूर है। अफगानिस्तान के पंजशीर पर तालिबानी अभी तक कब्जा नहीं कर पाए हैं और जिस तरह से हालात हैं उसके लिए ये जंग जीतना आसान नहीं। अफगानिस्तान के पंजशीर अंदराब बंगलान प्रांत में नॉर्दर्न एयरलाइंस के लड़ाकों ने तालिबान के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। ये क्षेत्र अहमद मसूद का है। साथ ही यहाँ पर अफगानिस्तान के कार्यकारी राष्ट्रपति अमरतुल्ला सालेह भी रुके हुए हैं। नॉर्दर्न एयरलाइंस वही गुट है जिसने अब से 20 साल पहले तालिबानी और रूसी सेनाओं को टक्कर दी थी। अब एक बार फिर से तालिबान के खिलाफ सबसे बड़ी दीवार बन के ये लड़ाके सामने आए हैं। जानकारी के मुताबिक तालिबान ने इस इलाके में हमला करना चाहा, लेकिन नॉर्दर्न एयरलाइंस के लड़ाकों के चंगुल में आ गया। दावा किया जा रहा है करीब 300 तालिबानियों को मौत के घाट उतार दिया गया। हालांकि ये लड़ाई अभी थमी नहीं है क्योंकि बड़ी संख्या में तालिबानी लड़ाकों ने पंजशीर का रुख किया है, जहां उनकी कोशिश इस इलाके पर पूरी तरह से कब्जा जमाने की है। अफगानिस्तान के कार्यकारी राष्ट्रपति अमरुल्ला सालेह ने पंजशीर की सीमाओं पर जारी जंग को लेकर ट्वीट किया है। उन्होंने कहा कि अंदराब घाटी में तालिबानी लड़ाके कैंप में फंस गए। आगे लिखा कि अब तालिबानी पंजशीर की सीमा पर बड़ी संख्या में आ गए हैं, लेकिन सालांग हाईवे हमारे लड़ाकों के पास है। दावा किया गया है कि नॉर्दर्न एलायंस के लड़ाकों ने तालिबान की सप्लाई लाइन को काट दिया है, जिसके कारण तालिबानी फंस गए हैं। बताया जा रहा है कि करीब 300 तालिबानी सैनिकों की मौत हुई है।